जम्मू के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिसके दर्शन मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ वैष्णो के दर्शन करने का तमाम लोगों का सपना होता है, पर दर्शन का सौभाग्य उन्हें ही मिलता है जिन्हें माता अपने दरबार में बुलाती है। माँ वैष्णो के दर्शन करना आसान नहीं होता। ऊंची ऊंची लंबी पहाड़ी चढ़कर लोग माता के दरबार जाते हैं, जहां उन्हें माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये इकलौता माँ वैष्णो देवी का मंदिर नहीं, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी माता रानी का एक मंदिर है जिसकी महिमा अपरंपार है। यूपी में स्थित वैष्णो माता का ये मंदिर फिरोजाबाद से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है, और यहाँ भी प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र में मेला लगता है, जहाँ बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मन की मुराद मांगते हैं। जम्मू कश्मीर न पहुँचने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर माता की पिंडी को चुनरी समर्पित करते हैं। फिरोजाबाद की इस वैष्णो देवी धाम की पिंडी और गुफा को जम्मू कश्मीर का ही स्वरूप देने की कोशिश की गई है। फिरोजाबाद और टूंडला के बीच हाईवे किनारे गांव उसायनी में माँ वैष्णो देवी मंदिर है। इसकी आधारशिला साल 2004 में रखी गई थी। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी फरवरी 2010 में जम्मू स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर से अखंड ज्योति लाए थे। यहाँ नवरात्र के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। कम समय में ही माँ वैष्णो धाम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। यहाँ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में माँ वैष्णो देवी और साथ ही तीनों पिंडी स्वरूप में माँ के दर्शन श्रद्धालु करते हैं। जम्मू कटरा में बने माता वैष्णो देवी मंदिर की तरह इस मंदिर में भी गुफा आकर्षण का केंद्र है। साथ ही मंदिरों में वास्तुकला की पारंपरिक शैली का भी ध्यान रखा गया है। मंदिर की दीवारों पर देवियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, वहीं मंदिर में नक्काशी भी कराई गई है, जो मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा रही है। अभी मंदिर के निर्माण को सिर्फ 12 वर्ष ही हुए हैं। माता की कृपा से मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मन्नत का धागा बांधता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि माँ वैष्णो आज भी धरती पर मौजूद है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण ये है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही है, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा को दिया था। भगवान राम ने देवी त्रिकूटा से कहा था कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी का व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकूटा ने जब बहुत आग्रह किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन को पूरा भी किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकूटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकूटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूर्ति कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार ही आज भी माँ वैष्णो उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुखों को दूर कर रही हैं और उनकी झोली खुशियों से भर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।